तुम आंखें बंद करो एक मिनट। क्यों? बंद तो करो। क्यों? बंद तो करो। कर दिया। ठीक, क्या दिख रहा है? काला काला। What's up guys, this is AJ, we are back with another video. फाइनली मेरा न्यू म्यूजिक चैनल आ चुका है। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी बहुत प्यार दिखाया है, सब्सक्राइब किया है, बट न्यू ओरिजिनल सॉन्ग भी आ चुका है गाइज। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, अभी के अभी जाके देखिए, अपना वैल्यूएबल फीडबैक बताइए। एक्सक्यूज मी मैम, लाइक डू यू हैव टाइम? नो, व्हाट डू यू मीन? आई मीन टाइम टू राइट डाउन माई नंबर? नो नो, एक्चुअली आई सॉ यू फ्रॉम ओवर देयर, तो मैं सोचा कि लाइक यू आर सो अट्रैक्टिव, द अपोजिट अट्रैक्ट होता है ना, जिससे वाइट को ब्लैक अट्रैक्ट, सो मैं अट्रैक्ट हो गया तुम पे। अच्छा, या सो आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, हमारे यहाँ थैंक यू ऐसा नहीं बोलते। तो क्या चाहिए आपको? हमारा थैंक नंबर चाहिए। नंबर? हाँ। नंबर तो नहीं दे सकती मैं। इंस्टाग्राम आईडी दे सकती हूँ। व्हाट्स योर इंस्टाग्राम आईडी? alma_hussain28। फॉलो किया तुम्हें? क्यों पता है? मेरे मॉम डैड मेरे पीछे गिरे थे, फॉलो योर ड्रीम, फॉलो योर ड्रीम, फॉलो योर ड्रीम। तो मैं आज उनको बताऊंगा, देखो इंस्टाग्राम पे फॉलो किया मेरे ड्रीम को। और सच्ची में, मजाक नहीं, आई एम वेरी सीरियस। ओके, तुम किस बात को लेके सीरियस होती हो? पढ़ाई को लेके, फ्यूचर को लेके। हाँ। मैं भी फ्यूचर को लेके सीरियस हूँ। आपका फ्यूचर? तुम और कुछ? और बहुत कुछ है, इतना सब कुछ है कि आज एक दिन में नहीं बता सकता। मैंने प्लान किया हो अपन कहाँ घूमने जा सकते हैं। कहाँ पे? हम बीच वाली जगह पे घूमने जाएंगे। हालांकि तुम्हें पता है, लाइक मुझे पता है कि तुम्हें बीच बहुत पसंद है। आपको कैसे पता मुझे बीच बहुत? ड्रीम गर्ल को क्या पसंद है वो पता नहीं होगी तो क्या कैसे चल? ठीक है, बीच पसंद है तुम्हें, लाइक कोकोनट वाटर बीच पे बैठ के पीना पसंद है, लॉन्ग ड्राइव पसंद है, और हाथ पे हाथ पकड़ के लॉन्ग ड्राइव पे चलना बहुत पसंद है, लॉन्ग वॉक पसंद है, लॉन्ग वॉक विद म्यूजिक पसंद है, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग सुनना। कब से फॉलो कर रहे हो आप मुझे? बचपन से। और कुछ बोलना है? बहुत कुछ बोलना है बट अभी पूरा बोल दूंगा फिर तो। फिर हाँ, फिर जिंदगी तो जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है। अच्छा, हाँ तुम्हें नहीं बितानी है? मैं देखूंगी, आप तो अजनबी हो, मैं कैसे बोलूं मेरे को बितानी है कि नहीं बितानी है। अच्छा, बाय द वे माय नेम इज एजे। What's your name? Alma. Nice to meet you. Yeah. You look sweet. I love you too. अरे मैंने I love you बोला ही नहीं। क्या नहीं बोला? I love you. I love you too. मगर बोला ही नहीं मैंने। अभी तो बोला। मैंने नहीं बोला, आप खुद ही I love you बोलते। आप मुझे बताओ, आप इतनी खूबसूरत हो, I love you के सिवा मैं और क्या बोल सकता हूँ? आप ऐसे बातें करोगे तो मैं क्या रिप्लाई दे सकती हूँ? तुम बोल सकती हो कि ओके बाबू। ओके ओके। या सो फिर हम चलते हैं कहीं दूर। चलो। या लॉन्ग ड्राइव पे। अभी? अभी नहीं, बाद में चलते हैं। ठीक और है, ये जैसे कि वैलेंटाइन डे का मंथ है यार। हाँ। मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? तो मैं कुछ नहीं सोचा नहीं है। हाँ, सोचा नहीं है। हाँ, सोच के बताना फिर मुझे। वही तो बता रहा हूँ, मेरी सोच में तुम हो। सोच के बताने के लिए कुछ नहीं है। सोच में ही हूँ मैं। हाँ, सोच में। कब से? बचपन से। बचपन से? बचपन से देखो। मरने तक। मरने तक। हाँ। तुम्हें पता है मैं आजकल ऐसे मत देखो। क्यों? अब मुझे नर्वस कर रही हो बहुत। तो कहाँ देखो? कहाँ देखो? कहाँ देखो? ऊपर देखो। आपके दिल में आईना वगैरह है क्या? क्यों? क्योंकि मेरे अपने आप को उधर देख रहा हूँ आपके दिल में। अच्छा। हाँ। ये सब लाइंस कहाँ से सीखा? इतनी खूबसूरत कहाँ से लाई हो आप? आप मतलब हर चीज का जवाब है आपके पास। हाँ, क्योंकि मेरी जवाब तुम हो। अरे अरे, यहाँ तो मैं पिघल गई। अरे यहाँ तो मैं सच में पिघल गई।
मुझे मैजिक भी आता है पता है, यू नो मैजिक, लेट मी शो यू मैजिक। तुम अब मन के अंदर कुछ सोच लो, लाइक मुझे ये चाहिए, वही मिलेगा तुम्हें। अब ऐसे हाथ करो, सोच लिया, पक्का वही मिलेगा तुम्हें। हाँ। 1, 2, 3 ये तो नहीं सोचा था, पैनकेक सोचा था मैंने। तो सुनो तो, माय नेम इज पैनकेक, नाइस टू मीट यू पैनकेक। तो चलो मुझे समझ में आ गया कि मेरे ड्रीम गर्ल को पैनकेक पसंद है बहुत ज्यादा। सो तुम्हें लॉन्ग ड्राइव स्कूटी पे पसंद है या कार में पसंद है? कार में प्रेफर करूंगी मैं, कार में बाल खराब हो जाएंगे ना। ओके बेबी, बाल खराब हो जाएंगे। हाँ वही वही तो। तो मैं जाऊं? आप यहाँ से तो जा सकते हो, पर मेरे दिल से कैसे जाओगे? पता नहीं, थोड़ा थोड़ा अब दिल में बस ही गई हूँ तो कैसे जाना ही नहीं है मुझे आपके दिल से। फिर अगर कोई और आ गया तो आपके दिल में, तो फिर उसको निकाल देगी और फिर मुझे डाल देगी। तुम्हारे अलावा और किसी को भी किस करना चाहता हूँ मैं? किसको? अपने होने वाली बेटी को। अरे आप बहुत फ्लर्टी फ्लर्टी बातें करते हो और मुझे फ्लैटर कर रहे हो आप। अच्छा मैं तो बहुत नर्वस हो रहा हूँ एक्चुअली, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। बोलने के लिए बहुत कुछ है और मैंने बहुत सोचा था कि मेरी ड्रीम गर्ल जब मिलेगी तो मैं ये बोलूंगा वो बोलूंगा, बट इतना कुछ तो बोल दिया। अब स्टेज नर्वस होता है ना, स्टेज नर्वस वैसे है, वैसे ही हो रहा है आपके साथ। हाँ वैसे ही हो रहा है मेरे साथ, डर लग रहा है मुझे कहीं तुम्हें खो ना दूं। तुम आंखें बंद करो एक मिनट। क्यों? बंद तो करो। क्यों? बंद तो करो। कर दिया। क्या दिख रहा है? काला काला कुछ दिख ही नहीं रहा है। मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना काला है। ये अच्छा था, अब तो मैं सच में पिघल गई। ये अच्छा था। आ? अच्छा था। हाँ बहुत। भाई। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? हाँ आंखों में देखो दिख जाएगी। आंखों में तो मैं ही दिख रही हूँ। तुम्हें तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैंने तो हाँ बोला नहीं। हाँ वन साइड लव कर रहा हूँ। अच्छा एक तरफा प्यार। हाँ। एक तरफा के आशिक हुआ। जल्दी पता चल जाएगा कितना है आपका मजबूत प्यार। बहुत मजबूत है। फेविकॉल पता है? फेविकॉल। हाँ पता है। उससे भी ज्यादा मजबूत। सुपर ग्लू से भी मजबूत है? हाँ। सुपर ग्लू पता है? उससे मजबूत है? उससे ज्यादा मजबूत। ठीक है देखेंगे। और अगर मेरा बॉयफ्रेंड है तो? हाँ? मेरा कोई बॉयफ्रेंड है? हो ही नहीं सकता। अगर है तो? मेरा प्यार इतना प्योर है कि तुम्हें गर्ल बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है। और अगर मेरे मम्मी पापा मना कर दिए तो आपके लिए? तुम्हें जब मना सकता हूँ, इतनी तुम खूबसूरत हो तो तुम्हारे मॉम डैड को तो मैं आराम से मना सकता हूँ। अच्छा मैं किडनैप कर लूंगा तुम्हें। अच्छा ओके। पता है क्यों? क्यों? ताकि तुम्हारे मॉम डैड से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। ट्राई करना। हाँ कभी कोशिश करो। हाँ क्योंकि सबसे कीमती चीज तो तुम्हारा हाथ ही होगा उनके पास, बहुत जो मैं ले लूंगा। हाँ अच्छा उसके बदले में मैं बहुत सारा प्यार दूंगा उन्हें। उन्हें? उन्हें हाँ। अच्छा तुम नहीं चाहती हो कि उन्हें दो प्यार? चाहती हूँ ना मैं, ऑब्वियसली। मेरे मम्मी पापा को नहीं दोगे तो किसको दोगे फिर? वही तो। और मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा गोवा। गोवा साल में दो बार। मुझे गोवा नहीं पसंद। गोवा नहीं पसंद? ठीक है कैंसिल। बहुत बार गई हूं गोवा। ओके गोवा कैंसिल। हम जाएंगे केरला जाएंगे। हाँ ठीक है मैं केरला नहीं गई हूं कभी। केरला जाएंगे। हाँ। हम ऐसे ऐसे प्लेस विजिट करेंगे जो तुम गई नहीं हो। हाँ हाँ मैं केरला नहीं गई हूं। केरला केरला चलेंगे। ओके नर्वस हो रहे हो? हाँ नर्वस बहुत हो रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा लग रहा है मेरा है ना 10 मिनट ऐसे सेकंड में बीत जा रहा है। क्यों? हाँ तुम्हें मिलने के बाद। मुझे मिलने के बाद ऐसा हो रहा है? देखो इतनी धूप है फिर भी हवा आ रही है। जब लोग प्यार में होते तब हवा बहुत चलती है। अरे तुम्हें प्यार हो गया? आपको प्यार हो गया? मैंने नहीं बोला मुझे हुआ है, आपको हो गया। हवा तो तुम्हारी तरफ भी आ रही है। हवा तो आपकी तरफ भी आ रही है। हवा दोनों की तरफ आ रही है तो शायद दोनों को हो गया।
वायलेंस भी बज रहे पीछे। हाँ, मुझे भी वही सुनाई दे रहा था, कहाँ बज रहे रोजेस भी अभी गिरेगे थोड़े टाइम में। नहीं गिर सकते, रोजेस नाराज है। क्यों? क्योंकि उनसे ज्यादा खूबसूरत तुम दिख रही हो ना। थैंक यू, आप बहुत स्वीट हो, आप काफी प्यार भरी बातें करते हो। और करूंगा बहुत प्यार तुम्हें। कब हुआ प्यार? प्यार थोड़ी ना एक कोई गेम है कि डिसाइड करके टाइम टेबल करके हो जाएगा, ये तो ऐसे ही होना चाहिए नेचुरली। सबसे होता है कि सिर्फ मुझसे हुआ? तुमसे ही हुआ है। अभी हुआ थोड़ी देर पहले। हाँ, क्योंकि आपने मुझे बोला कि आपने मुझे अभी देखा। हाँ अभी देखा थोड़े टाइम पहले, तो अभी हो गया वो टाइम। शायद अगर मेरे पास कोई जादू होता तो वो टाइम को मैं रोक लेता और देखते रहते। हाँ मगर अच्छा हो गया ना, अभी तो आपने मुझसे बात भी कर ली। बात भी कर लिया। हाँ वही तो बात होगी। बट शायद तुम ही मैजिशियन हो, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मुझे अभी कोई चीज देखने का मन नहीं कर रहा है। कुछ भी नहीं देखने का मन कर रहा है? कुछ भी नहीं देखने का मन कर रहा। देखते हैं कब तक चलता है आपका ये। और बाय चांस मैं किसी लड़की को देख लूंगा तो भी उनमें भी तुम्हारा ही चेहरा देखूंगा। मतलब देखोगे? अरे मतलब देखूंगा। मतलब देखोगे? नहीं देखूंगा। मतलब देखोगे? अच्छा मतलब देखोगे। मतलब अगर बाय चांस मैंने किसी को देख लिया, लाइक ऐश्वर्या राय को देख लिया, आलिया भट्ट को देख लिया टीवी में, तो उनमें भी मैं देखूंगा। अरे तो अलवा है। हां अरे सो स्वीट। या दैट्स व्हाट, वैसे वे में बोल रहा था मैं। अच्छा, अब आपकी उम्र क्या है? उम्र 25। तो शादी कब, उम्र कब करोगे आप? तुम बोलो कब करना है, अभी करते। चलो चलो। हाँ, चलो चलो। पक्का? पक्का? बाद में मॉम डैड बोलना मत। मॉम डैड नहीं, मम्मा पापा को तो पहले आप बोलो बनाना है, फिर मेरे पापा। देखा पलट गई, ऐसे ही होता है। सैड लव स्टोरी की एंड ऐसे ही होती है। हर लव स्टोरी की एंड ऐसी होती है। हाँ। कभी ना कभी छूट ही जाता है। बट मैं तो लड़ लूंगा। आपने मैं... तो बोला फेविक की तरह चिपके रहोगे। वही तो मैं बोला था, मैं लड़ लूंगा दुनिया से मेरे लिए। हाँ तुम्हारे लिए और तुम्हारे मॉम डैड को बोलूंगा मैं दुनिया से लड़ लूंगा इसके लिए। बट नहीं लड़ूंगा। फिर लोग बोलेंगे क्यों बेटा, क्योंकि मैं बोलूंगा मेरी पूरी दुनिया यही है ना, इससे कैसे लड़ूंगा मैं। आप बहुत स्वीट हो, मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए अभी। क्या बोलूं? बोलना चाहिए कि शादी कर दो। हाँ शादी कर दे। या तुम्हें कब शादी करना है? मुझे तो अभी बहुत टाइम है शादी के लिए। मतलब मुझे पहले अपना फ्यूचर बनाना है फिर शादी करना। तो साल होता है ना इतना, 4 साल 5 साल 6 साल 20 साल 20 साल तक रुकूं मैं? रुक पाओगे तो बोलो। अच्छा जिंदगी भर रुक सकता हो तो 20 साल क्या चीज है? ठीक है रुको, जब तुम्हें जिंदगी मान लिया है तो जिंदगी भर रुकना पड़ेगा ही ना। रुकना तो पड़ेगा फिर मेरे लिए। वही। सो नाइस टू मीट यू आलमा। एक्चुअली मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, लाइक तुम्हारा बात करने का तरीका और तुम्हारी स्माइल, तुम्हारे आईज बहुत अट्रैक्टिव है। बाय बाय।